हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे रेशनल नंबर्स या फिर परिमेय संख्याएं। इससे पहले हमने सीखे थे नेचुरल नंबर्स, उसके बाद हमने किए थे होल नंबर्स, देन हमने किए थे इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आते हैं? हमारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स। अब यहाँ से क्या पता लगता है कि नेचुरल नंबर्स कंटेंट होते हैं होल नंबर्स में, होल नंबर्स हमारे कंटेंट होते हैं इंटीजर्स में, ठीक है। अब इसके अलावा भी हमने कुछ फ्रैक्शंस कर रखे हैं, जैसे 1/2, 3/4 या फिर 5/4, -23/7। ये सारे जो फ्रैक्शंस होते हैं इनका भी कुछ नाम होता है। हाँ जी, इन्हीं को बोलते हैं हम परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिसमें एक अंश होगा और हर होगा। हर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होंगे, यानी कि हमारे इंटीजर्स होंगे। अब ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर है। तो ज़ीरो को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/17, 0/3। अब नीचे हमारा नॉन ज़ीरो है लेकिन वैल्यू उसकी अभी भी ज़ीरो है, तो इसलिए ज़ीरो भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब हमारे सामने कुछ रेशनल नंबर्स हैं। इसमें -3 को -3/1 लिख सकते हो, -27 को -27/1, 0 को 0/1। तो इस तरह से ये दोबारा से हमारे रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, आप इनमें से आइडेंटिफाई करेंगे रेशनल नंबर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।